अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ रमजान स्पेशल सुपर क्रिस्पी एंड बहुत ही टेस्टी चिकन स्प्रिंग रोल की बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आप इफ्तारी में इनको बनाकर खिलाओगे तो यकीन मानिए रोजेदार सबसे ज्यादा इन्हीं को खाना पसंद करेंगे। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि मैंने इनको कैसे बनाया है। वीडियो को फुल देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। ये रमजानों के लिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। अगर आप चाहो तो इनको रमजानों के लिए पहले से बना करके स्टोर कर सकते हो। ये 1.5 से 2 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। इसके लिए सबसे पहले फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अब गैस को ऑन कर देंगे। अब ये लगभग 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें चिकन को डाल देंगे। इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। अब इसमें 1 चम्मच कुटा हुआ लहसुन अदरक डालेंगे। अब इसमें 1 चम्मच कुटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। अभी मैंने 1 गाजर ली है, इसको देखिए इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब गाजर को भी इसमें डाल देंगे। अब इसमें करीब 1 कप फ्रोजन मटर डालेंगे। इसमें 1/2 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इनको ढककर लो फ्लेम पे करीब 5 से 7 मिनट पकाएंगे। इनको पकते हुए करीब 6 से 7 मिनट हो गए हैं। अब इनको अच्छे से भून लेंगे। इनके अंदर जितना भी पानी है इनके पानी को अच्छे से सुखा लेंगे। ये चिकन भी देखिए अच्छे से गल गया है। इनको भूनने के बाद किसी भी बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। अभी इसको साइड में रख देंगे और इनको अच्छे से ठंडा होने देंगे। अब रोल के लिए हम शीट बनाएंगे। इसके लिए मैंने नॉर्मल गेहूं का आटा लिया है, इसमें हल्का सा नमक और पानी डाल के इसको मीडियम से गूंद लिया है। इसके लिए देखिए इस तरीके से छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। अब इन पर हल्का सा घी या ऑयल लगाएंगे। अब इनको देखिए इस तरीके से चिपका देंगे। अब इन पर हल्का सा सूखा आटा लगाएंगे। अब इसको थोड़ा पतला सा बेल लेंगे। इस रोटी को देखिए इतना पतला बेल लेंगे। अब इसको प्लेट में रख लेंगे। अब हमें जितनी भी शीट चाहिए इसी तरीके से बेल लेंगे। अगर आप चाहो तो इन शीट्स को आटे की जगह मैदे से भी बना सकते हो, लेकिन जितना हो सके मैदे से बचना चाहिए क्योंकि मैदा क्या है, नुकसान करता है। अब तवे को हल्का सा गर्म करने के बाद इस पर 1 रोटी को डाल देंगे। अब इसको दोनों साइड से हल्का हल्का सा सेक लेंगे। इसको ज्यादा नहीं सेकेंगे, इस तरीके से हल्का हल्का सा सेक लेंगे। अब इसको देखिए इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। ये बहुत ही आसानी से अलग हो जाती है। अब हमें जितनी भी शीट चाहिए इसी तरीके से सेक लेंगे। ये देखिए मैंने थोड़ी सी शीट बना ली है। अब इनको ढककर साइड में रख देंगे जिससे क्या है, सूखेंगे नहीं। ये चिकन भी देखिए ठंडा हो गया है। अब इसको जार में डाल के थोड़ा दरदरा सा पीस लेंगे। मैं इसको 2 बार करके पीस लूंगी। अगर आपका जार बड़ा है तो आप इसको 1 बार में ही पीस लें। इनको ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, इस तरीके से थोड़ा दरदरा सा पीस लेंगे। अब इनको इसी बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसमें कुछ और मसाले ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला है, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है। अब इसमें 1 मुट्ठी बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अब ये 3 उबले हुए आलू लिए हैं, इनको उबालने के बाद ठंडा कर लेंगे। अब आलू को भी देखिए इस तरीके से बारीक बारीक तोड़ करके इसी में डाल देंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको साइड में रख देंगे। अभी मैंने गेहूं का आटा लिया है, इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। अब इसमें जरूरत के हिसाब से पानी डालेंगे और इसका थोड़ा पतला सा घोल बना लेंगे। अब मैं आपको इसको चेक करके दिखाना चाहूंगी। इसका देखिए इतना पतला घोल बना लेंगे। अब हमने शीट बनाई है, इनमें से 1 शीट लेंगे, इस पे 1 चम्मच फिलिंग डालेंगे। अब इसको देखिए इस तरीके से फैलाएंगे। अब इसको देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इसके कोनों पे ब्रश की हेल्प से हल्का हल्का सा घोल लगाएंगे जिससे क्या है, अच्छे से चिपक जाएगा।
इसी तरीके से पूरे रोल को बना करके रेडी कर लेंगे। अभी मेरे पास चीज नहीं है, अगर आपके पास चीज है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा सा चीज डाल दें, इनके अंदर चीज बहुत ही बढ़िया लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे क्या है मेरी सारी रेसिपीज आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। ये मैंने पूरे रोल बना लिए हैं, अब इनको उठा करके किसी भी प्लेट में रख देंगे। अब इनको कोट करेंगे। इनको कोट करने के लिए मैंने थोड़ी सी फ्रेश ब्रेड ली है, इनको मिक्सी की हेल्प से पीस करके इनके ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। अब एक रोल लेंगे, इसको पहले आटे के घोल में डिप करेंगे। अब इसको ब्रेड क्रम्स से कोट करेंगे, इसको ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कोट कर लेंगे। अब इसी तरीके से पूरे रोल को रेडी कर लेंगे। अगर आप चाहो तो इस तरीके से इन रोल को रेडी करके इनको किसी भी एयरटाइट डब्बे में या फिर जिप्लो बैग में रख के, फ्रीजर में रख के आराम से 1.5 से 2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हो। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। ये रमजानों के लिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। अगर आप चाहो तो इनको रमजानों के लिए पहले से बना करके स्टोर कर सकते हो। अब इनको तो मैं फ्रीजर में रख दूंगी, तब भी मुझे जरूरत होगी इनको निकाल करके यूज कर लूंगी। अब बचे हुए रोल को हम अभी फ्राई करेंगे। ऑयल भी देखिए गर्म हो गया है। अब इसमें जितने भी पीस आसानी से आ जाएंगे उतने डाल देंगे। अब इनको सब तरफ से अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। ये रोल देखिए फ्राई हो गए हैं, अब इनको निकाल लेंगे। अब हमें जितने भी रोल चाहिए इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये मैंने थोड़े से रोल फ्राई कर लिए हैं। आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा जरूर। और आप भी मेरे इस तरीके से एक बार चिकन स्प्रिंग रोल जरूर बनाइए। आई होप आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आएगी। ये देखा आपने, इतना आसान तरीके से हमारे कितने बढ़िया रोल बने हैं। अगर आप इफ्तारी के टाइम पे रोजेदारों को इनको बनाकर खिलाओगे तो यकीन मानिए रोजेदार सबसे ज्यादा इन्हीं को खाना पसंद करेंगे, क्योंकि इस तरीके से हमारे बहुत ही बढ़िया रोल बने हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाय, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।